हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड वैकेंसीज की और जानेंगे कहाँ कहाँ पर इस वैकेंसी को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला नोटिफिकेशन आया, ये गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एजुकेशन डिपार्टमेंट गंगटोक से आया। तो यहाँ पे देखिए, जो ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस है 12 जुलाई 2021 को रिलीज़ किया गया था। तो इसमें देखिए, यहाँ पे जो पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की ये एडॉक कैपेसिटी इन द सब्जेक्ट मेंशन बिलो, यानी कि ये जो पोस्ट है आपकी एडॉक बेस्ड पोस्ट है, वो टेम्परेरी पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब तक यहाँ पे कोई भी रेगुलर पोस्ट नहीं निकलती, जब तक जो है आपको यहाँ पे जो है एडॉक फैकल्टी के फॉर्म में आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो इन्होंने जो एमोलूमेंट्स आपको देंगे, वो देंगे 30,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर द एकेडमिक सेशन 2021 to 2022। तो देखिए, यहाँ पे नेम ऑफ सब्जेक्ट्स है और द नंबर ऑफ पोस्ट, वो भी मैंशन कर रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे देखिए साइंस बैकग्राउंड के भी सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के भी हैं, और यहाँ पे जो है आप ये अकाउंट सब्जेक्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कॉमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, नेपाली, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। तो इस वे में आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 29 सब्जेक्ट जो देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो टोटल हैं 66 वैकेंसीज हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में आपने जो है आप इंटरेस्टेड हो, या आपका पीजी डिग्री या पीएचडी डिग्री है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एज लिमिट यहाँ मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे जो आपका एज है वो 30 जून 2021 तक 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो मोड ऑफ सिलेक्शन है आपका, वो रहेगा आपका जो भी आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे इंटरव्यू में उसकी बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन मेंशन कर रखा है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। अगर आप बॉटनी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बॉटनी में होना चाहिए मास्टर डिग्री। अगर आप फिजिक्स में अप्लाई कर रहे हैं तो फिजिक्स में होना चाहिए। ऐसे करके जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है, अगर आप SC ST या डिफरेंशली एबल्ड फिजिकली एंड विजुअली हैं तो आपको यहाँ पे 50% मार्क्स होना चाहिए आपका पीजी डिग्री में। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है 55% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा आपका नेट, स्लेट या PhD जो है कंपल्सरी है फॉर ऑल द सब्जेक्ट। अब अगर आप जो है यहाँ पे देखिए, रेगुलर कॉलेज के लिए अलग से नोटिफिक एलिजिबिलिटी कंडीशन है। वहीं अगर आप BEd कॉलेज के लिए जो अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए अलग है। तो वहाँ पे क्या है, इन्होंने MEd को ऐड कर दिया, क्योंकि आप BEd कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे MEd होना जो है 55% मार्क्स के साथ वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो देखिए, एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद एडमिट कार्ड विच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम डेवलपमेंटल वेब पोर्टल। तो यहाँ पे वेब पोर्टल मेंशन कर रखा है, तो यहाँ से आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है जो डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वो है 27 जुलाई। तो लास्ट डेट 27 जुलाई, नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर ड्यू डेट। तो 27 जुलाई के बाद आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जो इशू होगा एडमिट कार्ड वो होगा 29 जुलाई को, और जो डेट ऑफ इंटरव्यू रहेगा वो 30 जुलाई को रहेगा। तो देखिए, इन्होंने आप जो वेन्यू है वही मेंशन कर रखा है। तो आपका नर बहादुर भंडारी गवर्नमेंट कॉलेज थर्डोंग में जो है आपका वेन्यू रहेगा इंटरव्यू का। इसके साथ साथ आपको अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सारे जो है सबमिशन ले जाने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, या आप जब इंटरव्यू देने जाएं तब अपना जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो भी लेके जाएं। इसके अलावा आपको फोटो कॉपी चाहिए होगी आपकी मास्टर डिग्री, नेट, स्लेट या PhD सर्टिफिकेट, तो ये कंपलसरी है, तो आप इसे भी जो है इसका जीरोक्स लेके जाएं। अब देखिए, इन्होंने आप क्लियरली मेंशन कर रखा है कि दिस अपॉइंटमेंट टेम्परेरी इन नेचर एंड प्योरली ऑन एडॉक बेसिस एंड टिल द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन 2021-2022। तो देखिए, पहले जो है आपकी ये पोस्ट जो है 1 ईयर की रहेगी, तो टोटली एडॉक बेस पे है, यानी टेम्परेरी पोस्ट है, तो आपको 1 ईयर तो यहाँ पे आपको जॉब करने को मिलेगी। इसके अलावा जो है अगर कोई भी रेगुलर पोस्ट नहीं निकलती है तब तक आप जो है यहाँ पे रह सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर कैंडिडेट विच एवर अर्लियर, तो ये आपको या तो 1 साल का रहेगा या आपका 1 साल से बढ़ भी सकता है टिल द अपॉइंटमेंट रेगुलर कैंडिडेट। इसके अलावा अगर रेगुलर कैंडिडेट जब तक नहीं उसका अपॉइंटमेंट होता है जब तक जो है आप यहाँ पे जॉब जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी TA DA आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो ये था यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जो कि एडॉक बेसिस पे था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जो है आपको सारी जो लाइक सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए ऑलमोस्ट जो है वैकेंसीज को निकाला गया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।